फिर मम्मी के लिए इमरती पैक करा रही है, मम्मी मैंने एक ले ली उसमें। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल टूरिस्ट में जीके वीडियो बाय सलीम। तो दोस्तों थकान बहुत ज़्यादा है, घुटना बहुत दर्द कर रहा है, क्लिच ब्रेक क्लिच ब्रेक क्लिच ब्रेक, और अभी पिया जा रहा है चाय का लुत्फ उठाया जा रहा है। और ये देखिए पापा का बैग रेडी हो चुका है, पापा निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, मैं जाऊँगा पापा को छोड़ने के लिए। अभी बहुत इन्जॉय किया पापा ने, ऐसा पापा बता रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी बहुत जो और भी करना चाहते थे लेकिन पापा रुक नहीं रहे, पापा जा रहे हैं तो अभी दिखाएंगे वहां पर। पापा आज जा रहे हैं, बुरा लग रहा है, जायमा सो रही है, जायमा बहुत मिस करने वाली है, पापा भी जायमा को बहुत मिस करने वाले हैं। मतलब छोड़ती नहीं थी जायमा घर में, दाढ़ी में प्यार करना, गाल में प्यार करना, आंखों को प्यार करना, हाथों में टंग जाना एकदम पापा के, लेट ही रहना पापा के ऊपर, पर बोलती थी नहीं नहीं नहीं। हम लोग बोलते हम लोग खूब मजाक उड़ाए उसका, यार 6 तारीख के दादू चले जाएंगी तब क्या करेगी, अब बुखार आ गया उसको, सो रही है, दोपहर भी सो रहा है, सुबह का तकरीबन 7 बजे हैं, अभी 7 भी नहीं बजा है। चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं, उसके बाद पापा को छोड़ कर आते हैं, उसके बाद आप अंदर वाले रूम में बच्चों से मिलने के लिए। ये देखिए दोनों सो रहे हैं। सलीम ने आपने हमारी बहुत खिदमत की, खाने से पीने से हर चीज से, अल्लाह आप लोगों को जरूर सलाम करके खूब प्यार मोहब्बत से बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल अच्छा भविष्य। ठीक है बेटा, खुश हो बड़ी खुशी, वालेकुम। घर से निकलते वक्त बहुत इमोशनल हो गए थे पापा, और बार बार दुआ दे रहे थे, बहुत सारी दुआएं दी पापा ने सरवरी को, मुझे गाड़ी में बैठते भी बोलते जा रहे थे बहुत ख्याल रखा बहुत ख्याल रखा। आशीष उस्ताद भी लेते सामने, उनसे भी खड़े होकर बात की, बहुत खुश होकर गए पापा, अल्लाह का शुक्र है बस पापा ऐसे राजी रहे हमसे हमेशा। और मम्मी भी, आप भी आए एक बार, हमको मौका दें एक बार खिदमत करने का। मम्मी को इमरती का बहुत शौक है, वो मतलब शौक नहीं अच्छा लगता है मम्मी को, और ये मौदा मिलती नहीं है तो यहाँ से मैं हमेशा इमरती पार्सल करवाता हूँ मम्मी को, और यही बस छोटी छोटी खुशियाँ हैं यार, आपस में शेयर करो आपस में बांटो, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को मिलाकर ही बड़ी खुशी बनती है। फिर मम्मी के लिए इमरती पैक करा रही है, मम्मी मैंने एक ले ली उसमें। तो बस स्टैंड अंदर है लेकिन वहाँ पे मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कुछ बस यहाँ से खंडवा से डायरेक्ट निकल जाती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। तो पापा को यहाँ से बैठा के सी ऑफ करने वाले हैं हम लोग, और ये आ गई पापा की इंदौर जाने वाली बस, और पापा को बस में बैठा दिया है, और बस क्या बोलूँ मैं, अल्लाह पापा का सफ़र आसान करे। ये देखिए बहुत बुरा लग रहा है, मज़ा आता है, पापा आते हैं ना यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तो पापा दुआ करते ही हैं नमाजों में हम लोगों के लिए सबके लिए, लेकिन यहाँ पर जो मतलब बस क्या बोलूँ मैं, निकलती रहती है दुआ, करते रहते हैं मौदामे भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे कुछ भी कर दिया, अगर सलीम चप्पल निकाल दो जिसे पलंग जैसे चप्पल निकाल दी तो सिर्फ उतने ही अमल में बहुत सारी दुआएं मिल जाती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें अब थोड़ी शायद कम हो जाएंगी, दुआ वहाँ से भी होगी लेकिन वहाँ से दुआ होगी जब मैं सलाम मतलब यहाँ से फ़ोन करूँगा, या जब वो नमाज़ पढ़ेंगे तिलावत करेंगे उस समय, लेकिन जो छोटे छोटी खिदमत करने पे जो दुआएं मिलती हैं तो शायद वो अब कम हो जाएंगी। और अब इंशाल्लाह ईद में ही मुलाकात होने का है, तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है, अभी घर सूना हो जाएगा, बाहर वाला कमरा सोफ़ा, और तो चलिए दोस्तों जहर का फ़ोन आया था, वीडियो कॉल आया था, रो रहा है वो क्योंकि दादू के पास जाना है। तो चलिए दोस्तों इतना ही आज की वीडियो में,
चले गए पापा, मिलते हैं अगली वीडियो में। इमोशंस हैं वीडियो में, काफ़ी इमोशनल हूँ मैं। पापा भी रोने लग गए थे, बहुत दुआएं देकर गए हैं सर्वरी को, मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देकर गए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।